एक तरफ चीन पाकिस्तान बॉर्डर पर घुसपैठ और आतंक करने में लगे हैं और इधर भारत ने एक अलग ही देश से कर डाली सबसे शक्तिशाली हथियार की डील, जिस देश से डील के बारे में ना चीन सोच सकता था ना अमेरिका, उस देश के साथ भारत ने कर डाली स्टेल्थ सबमरीन की जबरदस्त डील। अब रूस, फ्रांस और इजराइल के बाद स्पेन देगा भारत को डेडली तकनीक। दोस्तों, हमने आपको पिछले वीडियोस में बताया था कि किस तरह से चीन ने भारत को दक्षिण से तीनों जगहों से घेरने का षड्यंत्र रचा हुआ है। पश्चिम में पाकिस्तान में स्थित ग्वादर पोर्ट को पहले ही चीन ने अपने नेवल बेस के रूप में स्थापित करने में कोई कसर नहीं छोड़ा है। बताया जा रहा है कि वहां पर चीन के युद्धपोत तैनात हैं, स्पेसशिप तैनात हैं और कई ऐसे हथियार भी तैनात हैं जो चीन की तरफ से सीक्रेट रखे गए हैं। इसके बाद श्रीलंका का हालत तो आपको पता ही है, जिसका हबमनाटोटा पोर्ट श्रीलंका की नौसेना का अड्डा बन चुका है, जिसे चीन ने ही इसलिए लीज पर लिया था ताकि वहां पर समुद्र में वह रिसर्च कर सके। लेकिन रिसर्च का काम छोड़ो, उसने भारत की मिसाइलों की डाटा की जानकारी निकालने के लिए जासूसी जहाजों को यहां तैनात कर रखा है। कुछ समय पहले भारत जब अपनी K4 परमाणु मिसाइल की टेस्टिंग करने वाला था, तब चीन ने अपने जुआंग वांग 5 स्पाई शिप को अलर्ट कर दिया था। मकसद था भारत की K4 मिसाइल की टेस्टिंग की डाटा चोरी करना, जिसके बाद भारत को इस मिसाइल टेस्ट को ही रोकना पड़ा। ऐसे एक नहीं कई मामले हैं, चीन की यह दादागिरी बढ़ती जा रही है। यही कारण है कि भारत अब चीन को उसी की भाषा में जवाब देना चाहता है। अब क्योंकि समय कम है और इतने कम समय में भारत अपनी खुद की तकनीक से जरूरी डेडली वेपन रेडी नहीं कर सकता, इसीलिए भारत अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ हथियारों की डील बाकी देशों से करना चाहता है। इसके लिए भारत पिछले कई महीनों से फ्रांस, रूस समेत कई देशों की नई पनडुब्बियां खरीदना चाहती हैं। ये पनडुब्बियां AIP तकनीक से लैस होंगी। इसके अलावा चीनी आक्रामकता को रोकने में भी ये पनडुब्बियां काफी कारगर साबित हो सकती हैं।
पनडुब्बियों पानी के भीतर रहकर ना सिर्फ दुश्मन की हरकतों पर नजर रख सकती है बल्कि जरूरत पड़ने पर हमला भी कर सकती है। स्पेन की तरफ से यह भी बताया गया है कि इस डील को लेकर भारत और स्पेन में बातचीत अच्छी तरह से आगे बढ़ रही है। हम संसदीय चुनावों के बाद सौदे पर सकारात्मक प्रगति की उम्मीद करते हैं। यह सिर्फ एक रक्षा सौदा नहीं बल्कि दोनों देशों के लिए एक रणनीतिक कदम है। इस महीने की शुरुआत में स्पेन के उप प्रधानमंत्री टेरेसा रिवेरा भारत की यात्रा पर थी और भारत सरकार के अधिकारियों के साथ उनकी बैठकों के दौरान पनडुब्बी सौदे पर भी चर्चा हुई। दोस्तों, भारत में इस साल के बीच में आम चुनाव होने हैं, इसलिए सौदे को लेकर बातचीत में कुछ देरी होने की संभावना जरूर बन रही है। लेकिन फ्रांस ने भी दिया है भारत को 6 परमाणु पनडुब्बियों का ऑफर। इसके अलावा भारत और फ्रांस 6 SSN परमाणु हमला पनडुब्बियों को खरीदने के लिए बातचीत कर रहे हैं। यह सौदा समंदर के नीचे भारतीय नौसेना की क्षमताओं में 2 गुना इजाफा करने वाला होगा। नौसेना को परमाणु पनडुब्बियों की सख्त जरूरत है। भारत के पास रूस की अकुला क्लास की परमाणु पनडुब्बी थी जिसे लीज पर लिया गया था। साल 2021 में इसकी लीज समाप्त हो गई और ऐसे में इस समय नौसेना के पास कोई भी परमाणु पनडुब्बी मौजूद नहीं है। इस कमी को दूर करने के लिए भारत ने फ्रांस के साथ बातचीत शुरू की है। वार्ता में उन संभावना को तलाशा जा रहा है जो 6 परमाणु पनडुब्बियों का निर्माण करने से जुड़ी हुई हैं। चीन, जो हिंद महासागर पर चुनौती बनता जा रहा है, वह इस दिशा में भारत से ज्यादा ताकतवर है। उसके पास 70 से ज्यादा पनडुब्बियां हैं, जिसमें 7 परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियां, 12 परमाणु हमला पनडुब्बियां और 50 से ज्यादा डीजल हमला पनडुब्बियां शामिल हैं। दूसरी ओर भारत का पारंपरिक पनडुब्बी बेड़ा साल 1980 के दशक का है। इस वजह से इनकी पुरानी पची क्षमताओं को लेकर चिंताएं बढ़ चुकी हैं। आपको बता दें कि चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी की ताकत को लगातार बढ़ाती जा रही है। ऐसे में उसका जवाब देने के लिए भारत के लिए परमाणु संचालित पनडुब्बियां काफी अहम है। भारत इस जरूरत को समझकर इस दिशा में अब आगे बढ़ रहा है। जो खबरें सामने आ रही हैं, उसके मुताबिक भारत अब 65,000 टन के स्वदेशी विमानवाहक 2 की जगह परमाणु पनडुब्बियों के निर्माण पर जोर देना चाहता है। बताया जा रहा है कि इस वजह से ही भारत ने इसे तैयार करने की अपनी योजना को रोका है। इसकी जगह अब वो SSN प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना चाहता है। आपको बता दें कि SSN को पानी के अंदर लड़ाकू विमानों के बराबर का हथियार माना जाता है। भारतीय नौसेना के लिए रणनीतिक संतुलन बनाए रखने और संभावित खतरों का मुकाबला करने के लिए परमाणु पनडुब्बियों को काफी महत्वपूर्ण करार दिया गया है। विशेषज्ञों के मुताबिक SSN गेम चेंजर है और ये काफी सीक्रेट होती है। इनकी ताकत असीमित होती है, साथ ही लंबे समय तक पानी के अंदर ये रह सकती है और बंदरगाह से दूर काफी दिनों तक और तेज गति के साथ अपने मिशन को पूरा करने में सक्षम है। यह पनडुब्बियां कैरियर बैटल ग्रुप का हिस्सा होती हैं और लंबी दूरी की मिसाइलों से लैस ये पनडुब्बियां कुछ ही मिनटों में समुद्री युद्ध की दिशा भी बदल देने का वादा रखती हैं।